अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आदिल, आप देख मेरा चैनल राइटियस आदिल। उम्मीद है आप खैरियत से। एक बार फिर हम आ गए हैं मोहम्मद अली रोड, द एपी सेंटर ऑफ स्ट्रीट फूड। मुझे काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया कि आपने ये कवर नहीं किया, वो कवर नहीं किया, तो एक बार फिर से हम हाजिर है नए पकवान के साथ, नए जायकों के साथ और नई दुकानों के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। बने रहिए, पूरा देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। करते कुछ मीठे के साथ। मेरे पीछे है बकलावा की दुकान। बकलावा एक टर्किश मिठाई है जो काफ़ी मेहनत से बनती है। इसको जो मैदा होता है उसको काफ़ी बार बेलते हैं, उसको पतला करते हैं और फिर उसके बाद उसे बेक करते हैं और उसके बाद बकलावा जाके बनता है। तो पिस्ताशू होता है मेन इंग्रेडिएंट उसमें और ऑल पर्पज़ फ्लावर होता है, वो भी रहता है। तो वो खाते हैं और आपको बताते हैं वो टेस्ट कैसा है। ये कौन सा भाई? चॉकलेट वॉलनट, ये पिस्ता, पिस्ता गोल्ड। तो 5-6 किस्म के बकलावा है और हम जो खाएंगे ट्रेडिशनल, ये पिस्ता जो है ये ट्रेडिशनल यही मोस्टली चलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा ख़त्म भी होने को आ गया, तो ये एक खाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कैसा है। तो ये आप देख रहे हो उसकी काफ़ी, ये जो डो है उसका लेयर है, ये सब बहुत पतला लेयर होता है। आप कभी वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा बहुत पतला होता है ये। और इसको फिर बेक करते हैं और उसके ऊपर जो सिरप होता है, शुगर सिरप, वो डालते हैं, तो थोड़ा मिठास रहती है इसमें। अब मैं आपको खा के बताता हूँ। मैंने बकलावा का एक बाइट लिया, बहुत ही मीठा और ऑथेंटिक, जो टर्किश बकलावा जैसा होता है, मैंने दुबई में खाया है एक्चुअली, तो वैसा सेम टेस्ट आ रहा है इसमें। और एक बाइट और लेता हूँ। यहाँ पे आए तो आप टर्किश बकलावा ज़रूर खाइए। और इनके पास कुनाफा भी मिलता है, कुनाफा भी एक टर्किश और मिडल ईस्टर्न डिश है, तो वो भी आप ज़रूर उसका टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके। 130 रुपीज़ का है कोई भी फ्लेवर, 130 रुपीज़ का। और इनका नंबर मैं दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर भी लेते हैं और आप उनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आप मीनारा मस्जिद और सुलेमान उस्मान मिठाई वाला नहीं आए तो आपका यहाँ आना जो है वो पूरा नहीं, मुकम्मल नहीं होता है। तो मुंबई में हर ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो यहाँ आए और मीनारा सुलेमान उस्मान मिठाई वाला की दुकान पे आके मिठाई ना ले। तो हम भी जाते हैं, देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं वहाँ पर क्या क्या है। सोहन बादाम हलवा अजमेर में और पाकिस्तान में देखेंगे तो मुल्तान में भी काफ़ी मिलता है और मुंबई में भी हर एरिया में मिल ही जाता है ये सोहन बादाम हलवा। फिरनी, जो रमज़ान की स्पेशलिटी है फिरनी, ये दूधी हलवा है, पाइनएप्पल हलवा और ये सुधर फेनी। चीकू मलाई, तो अलग अलग फ्लेवर की मिठाइयाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है जो शायद कहीं और देखने ना मिले। कोविड के चलते 2 साल ये गली जो थी रमज़ान में वीरान थी, अभी माशाल्लाह वो रौनक वापस आ गई। अच्छा लग रहा है। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया गए होंगे तो बड़े मियाँ की जो उनका जो स्टॉल है वहाँ पे ज़रूर गए होंगे,
तो सिर्फ रमज़ान में बड़े मियाँ जो है मीनारा मस्जिद में स्पेशली यहाँ पे लगाते हैं, और इनके यहाँ पे भीड़ चेक कीजिए आप। पब्लिक लाइन लगा के घड़ी है कि कब नंबर आएगा। चिकन सूप, इसकी जो खुशबू आ रही है ना वो एक्चुअली वर्थ द वेट, आप रुक के इसको खा सकते हैं। तो एक नया आइटम लग रहा है यहाँ पे, सांदल जिसे बोल रहे भाई, ये तीन चीज़ों का मेन। थोड़ा यहाँ वहाँ चलने के बाद प्यास लगी तो सोचे, ये है मेरा पर्सनल फेवरेट मोजीतो या मोहितो जो भी बोलो आप, और ये भी अच्छा रहे, रिफ्रेशिंग रहता है पीने के बाद, थोड़ा ठंडा जो अंदर जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। फ्राई और अपने भाई बना रहे ले क्या, लाल मिर्च, हल्दी, ये गरम मसाला, धनिया है, धनिया, ये जीरा पाउडर, अखा मसाला है, ये गरम मसाला है आप, और नमक। ये उस्ताद लोग की यही खासियत रहती है कि लोग चम्मच भर अपने हिसाब से डाल देते हैं और टेस्ट वैसा ही आता है जैसा आप लोग खाते हो। मशक्कत करने के बाद हमें एक बैठने की जगह मिली है, तो हमने मंगाया मुर्दा फ्राई और रुमाली रोटी, वो खाएंगे फटाफट, यहाँ से निकलेंगे, वो काफ़ी गर्मी है और बैठा नहीं जा रहा है। मुर्दा फ्राई और रुमाली रोटी, अभी हमने देखा मुर्दा फ्राई बनते हुए और अभी इसे टेस्ट करते हैं। गुर्दा काफ़ी हद तक गल गया है, तेल थोड़ा ज़्यादा है, बट गुर्दा जो है गला है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और चबाने में भी आ रहा है, अच्छा है। यहाँ अंदर जहाँ फ्राई आइटम है, पिछले ब्लॉग में मैंने मिस कर दिया था इसको, तो ये सोचा है ये बार खाते ज़रूर, तो आप यहाँ पे आके ये भी खा सकते हैं। गुर्दा, भेजा, बटेर सब मिलता है यहाँ पर, वो भी आप आगे यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। गुर्दा फ्राई और दो रुमाली रोटी 320 रुपीज़, रमज़ान में 320, अगर रमज़ान में के बाद आओगे तो सस्ता मिलेगा, टाइम का पैसा है, असल सब कमाने ही बैठे। भीड़ देखे जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, ये 4-5 बजे तक ये भीड़ चलेगी और लोग अपने हिसाब से मर्जी से खाएंगे दबा दबा के। मालपुआ, ये अंडा और मैदा उसकी डिश है, चचा अभी फेंट रहे और फेंटने के बाद ये कढ़ाई, इतनी बड़ी कढ़ाई है उसमें जाएगा।
मालपुआ बगैर रमज़ान पूरा नहीं होता है, तो ये बन रहा है मालपुआ, नूरानी स्वीट्स का मालपुआ है। 300 मालपुआ दो तरीके का आता है, सिंगल डबल। सिंगल बोले तो सिंगल अंडा रहता है, डबल बोले तो दो अंडा रहता है। तो सिंगल जो है वो 220 और डबल जो है 240, और स्पेशल भी है जिसमें मेरे ख्याल से फिरनी डालते हैं और मलाई डालते हैं, तो वो है 300 रुपये। नूरानी की कोल्ड ड्रिंक, इसमें बादाम और केसर है और दूध, तो इसको पियेंगे थोड़ा रिफ्रेशिंग लगेगा, थकान हो गई है, पियेंगे और इसको पैकअप करेंगे यहाँ के ब्लॉक को। और ये मोहब्बत का शरबत, मोहब्बत का शरबत बेसिकली ये कलिंगड़ का शरबत है, इसे यहाँ पे मोहब्बत का शरबत बोलते हैं। इसको पैसा देने का। इसी के साथ हम मोहम्मद अली रोड का व्लॉग ख़त्म करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी कहें सब्सक्राइब करने, और देखते रहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नई जगह, मिलते हैं अगले व्लॉग में।